हे फ्रेंड्स, राजेश है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने फ़ोन को रूट कर रखा है और आप उसके अंदर OTA अपडेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ें करनी है और किस तरीके से जो है आप OTA अपडेट को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमको यहाँ पे एक OTA अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है। इवन हमारा फ़ोन जो है रूटेड भी है और उसके अंदर मैजिक मैनेजर भी इंस्टॉल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन जो रूटेड है तो उसके अंदर जो है आप OTA अपडेट्स को ईजिली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट किसी एरर के। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद जो है आप इन अपडेट्स को अपने रूटेड फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल की सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि उनका फ़ोन जो है रूटेड है, उसके अंदर मैजिक मैनेजर जो है इंस्टॉल्ड है, तो अब वो OTA अपडेट को इंस्टॉल कैसे करेंगे, उनके फ़ोन में OTA अपडेट आएंगे कि नहीं आएंगे और उसको वो इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ़ोन हमारा रूटेड है और हमको जो है एक OTA अपडेट भी जो है हमारे फ़ोन में यहाँ पे देखने को मिला है। ये देखिए, अबाउट फ़ोन में आते हैं, अपडेट पे जाते हैं तो ये देखिए अपडेट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि 284 MB का हमें ये अपडेट देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डाउनलोड अपडेट को अभी यहाँ पे आपने स्टार्ट नहीं करना है, उससे पहले कुछ चेंजेस करने हैं। तो वो चेंजेस क्या हैं, उसके लिए आप मैजिक को ओपन कीजिए। मैजिक में आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल मैजिक का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, या तो कंप्लीट इंस्टॉल या रीस्टोर इमेजेस। अगर आप मैजिक को रिमूव करना चाहते हैं, फ़ोन को अनरूट करना चाहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन को यूज़ कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मैजिक आपके फ़ोन में रहे तो रीस्टोर इमेजेस को टैप कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर करेंगे उसके बाद जो है आपकी जो रीस्टोर इमेज होगी आपके फ़ोन की वो रीस्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आप सेटिंग्स पर जाइए, अपडेट पर जाइए, डाउनलोड अपडेट को यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। तो ये देखिए डाउनलोडिंग अपडेट जो है स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं ताकि ये सक्सेसफुली जो है डाउनलोड हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस अपडेट को आपने कैसे अप्लाई करना है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं 13.0.4.0 का अपडेट है। मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा अपने फ़ोन के अंदर, क्योंकि हमारा फ़ोन रूटेड है और हम देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है अपडेट होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए मोस्टली जो है डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए अपडेट जो है हमारा डाउनलोड हो चुका है और रीबूट नाउ का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ से रीबूट नहीं करना है, इसको क्लोज कर दीजिए। वापस जो है अब आप मैजिक मैनेजर को ओपन करेंगे। मैजिक मैनेजर को ओपन करते ही जो इंस्टॉल का ऑप्शन होता है इस पर जाएंगे। आजकल जो मोस्टली जो फोन्स होते हैं वो AB पार्टीशन के साथ आते हैं, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इंस्टॉल टू इनएक्टिव स्लॉट आफ्टर OTA, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, लेट्स गो करेंगे। ये ऑटोमेटिकली जो है बूट मेनू को स्टार्ट करेगा और उसके बाद जो है अपने आप जो है आपको ये रीबूट करने को बोलेगा। और उसके बाद जो है आपका फ़ोन जो है अपडेट हो जाएगा और फाइनली जो है आपका रूटेड फ़ोन जो था वो अपडेट हो चुका होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही कंप्लीट होता है नीचे आपको यहाँ पे एक रीबूट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपने उसके थ्रू जो है अपने फ़ोन को रीबूट करना है। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको रीबूट करते हैं, अब जो है हमारा फ़ोन जो है अपडेट हो रहा होगा और उसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने वो अपडेट जो है इंस्टॉल कर लिया है कि नहीं। तो ये देखिए फाइनली जो है फ़ोन हमारा ऑलरेडी जो है बूट हो चुका है और मैसेज आ चुका है अपडेटेड MIUI सक्सेसफुली। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सेटिंग्स में जाके। तो देखिए सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन पे हम चलते हैं और 13.0.4.0 का जो वर्जन है वो सक्सेसफुली हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। इवन हमारा फ़ोन अभी भी रूटेड है। तो इस तरीके से जो है आप अपने जो है रूटेड फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। जो मेथड मैंने आपको बताया उस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आप OTA अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी कर पाएंगे और अपने रूटेड फ़ोन को अपडेट करने के बाद अपने फ़ोन को रूट भी रख कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।